यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक पे गाड़ी चला के देख रहा हूँ मैं एक बार, और चल तो रही है। तो आज मैं फार्मिंग सिमुलेटर में एक बिल्कुल नई जगह पे आया हुआ हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना नया फार्म स्टार्ट किया है, और इस जगह का नाम है कॉलोनिया, और एक ये छोटा सा गांव है और काफ़ी सुंदर गांव है, और यहाँ पे प्रॉपर खेती बाड़ी का काम होता है और काफ़ी अच्छे घर हैं। और यहाँ पे ये वाला घर मैंने जो है परचेज कर लिया है, और इस घर में काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं पहले से। तो ये अपने घर की एंट्री है, और यहाँ पे हार्वेस्टर मुझे मिला है, और मैंने यहाँ पे 5 खेत भी परचेज कर लिए हैं, और इधर की साइड जो है अपना घर है ये, और यहाँ पे ये अपना गैरेज है, इधर जो है ये पता नहीं क्या है, मैंने अभी चेक नहीं किया, खोल के देख ही लेता हूँ। ये जो है अपना स्टोरेज का साइलोस है, तो यहाँ पे गेहूँ है काफ़ी सारा, और इधर ट्रॉली अपनी पार्क को रखी है, और इधर की साइड क्या पार्क को रखा है, यहाँ पे ये सीडर पार्क को रखा है, और इधर जो है अपने ट्रैक्टर पार्क को रखे हैं, यहाँ पे तो मैंने पहले ही देख लिया था, ये यहाँ पे ट्रैक्टर है, और इधर अपनी वर्कशॉप भी है वैसे, और इधर ये सामने काओ बान है, और ये एक और गैराज है, यहाँ पे काओस की आवाज़ भी आ रही है, और ये इस घर के पीछे अपने खेत है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है, एक एक गाड़ी मैंने जो है यहाँ पे आते ही ले ली थी, और ये रही अपनी काओस, और अभी यहाँ पे जो है 10 काओस हैं, और बाकी ये खेत जो है अपने, इनमें जो है क्रॉप अभी लगी हुई मिली है मुझे, यहाँ पे सनफ्लावर लगा हुआ है और ये भी ग्रो हो रहा है, और इसके अलावा बाकी 2 खेतों में, इसमें तो कॉर्न लगा हुआ है और ये भी जो है अभी ग्रो ही हो रहा है, और इधर यहाँ पे कॉटन है ये भी ग्रोइंग है, बट सामने यहाँ पे अपने 2 खेत हो रहे हैं, इसमें से जो है एक खेत में कनोला लगी हुई है और ये रेडी टू हार्वेस्ट है, तो इसे तो मैं अभी सबसे पहले हार्वेस्ट करने के लिए लगा देता हूँ। ये रेडी टू हार्वेस्ट है, और इस वाले में कॉर्न लगी हुई है, कॉर्न में अभी शायद 1 महीना और लगेगा, तो ये टोटल 5 खेत हैं, ये 3 खेत यहाँ पे हो गए और 2 खेत यहाँ पे हो गए, बाकी ये जगह काफ़ी ज़्यादा सही है और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, और ये जगह मैं नॉर्मली ऐसे ही विजिट करके देख रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने जो है सोचा कि अब यहीं पे जो है नए खेत बनाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग करते हैं। बाकी अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं पहले ये हार्वेस्टर को लगा देता हूँ, वो जो कनोला लगा हुआ है वो वाले खेत में हार्वेस्ट करने के लिए, तो इस हार्वेस्टर को वहाँ ले कर चलता हूँ। बट इसका हेडर यहाँ पर नहीं है, हेडर इसका कहीं रखा होगा इसके अंदर, यहाँ पे हेडर तो नहीं है इसका, इसका हेडर मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेडर के क्रॉप जो है हार्वेस्ट कैसे करेगा। ये रखा हुआ है हेडर यहाँ पे, तो हेडर जो है ये हेडर वाले ट्रेलर के ऊपर पार्क को रखा है, तो एक बार हार्वेस्टर को ले आऊँ यहाँ पे। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी दिखाता हूँ अपना जो ये वाला रोड है जहाँ से अपने घर की एंट्री होती है, यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारी सही सही चीज़ें हैं, इधर एक मार्केट भी है, और बाकी जो है ये सारी बिल्डिंग्स मैं परचेज कर सकता हूँ बाद में, अभी तो जो है थोड़ा सा खेती बाड़ी पर फोकस कर लूँ पहले, उसके बाद ये कुछ परचेज वर्चेज वाला काम करेंगे, और इस हेडर को जरा स्टार्ट करके निकाल लूँ यहाँ से। इस हेडर को यहाँ से अटैच ही कर लेता हूँ उसके साथ ना, अभी ये ट्रेलर पे है तो थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा इस ट्रेलर को पहले। बस इतना काफ़ी है, इस वाले खेत को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और ये ज़्यादा बड़ा खेत तो है नहीं, यहाँ पास तक ही है, तो इसमें ज़्यादा तो अभी कुछ निकलना नहीं है, कनोला का खेत है ये, बट हाँ ये है कि एक ट्रॉली से ज़्यादा तो कनोला निकल ही जाएगा, और अभी स्टोर कर लूँगा, उसके बाद इकट्ठा जो है मार्केट में सारा सेल करके आएंगे। अभी यहाँ पर वर्कर असाइन कर दिया है, तो ये वर्कर यहाँ पर काम करता रहेगा, इतने मैं जो है यहाँ पर और चीज़ें एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ये इधर भी कोई बिल्डिंग है, एक ये कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ पे ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग लग रही है, एक मिनट यहाँ साइड से चल के देखता हूँ, और यहाँ ऊपर की साइड क्या है, यहाँ से तो रोड जा रहा है, और यहाँ पे भी खेत हैं काफ़ी बड़े बड़े, बट इस बिल्डिंग को देख लेते हैं, ये बिल्डिंग किस चीज़ की है,
ये बिल्डिंग क्या चीज है ये? सामने ये मिल्क कैंस रखी हुई है, और ये मिल्क है तो ये डेयरी है शायद। यहाँ देखता हूँ, हाँ ये डेयरी है, और ये अभी सेल के लिए भी आई हुई है, तो मैं इसे परचेज भी कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, इससे बात करता हूँ। क्या कर रहा है ये? तो हंस रहा है। अबे तेरा दूध गिर गया भाई नीचे, हंस रहा है दूध नीचे गिरा के। क्या है ये? तीन वाले टैंक्स में मैं लाके दूध सप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं डेयरी परचेज कर लूँगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो भी मैं सेल कर सकता हूँ, मतलब चीज़ वगैरह। और ये यहाँ पे ये भी दूध सप्लाई करना है, बट ये यहाँ पे खड़ा होकर देख क्या रहा है। वैसे मेरे पास भी अभी काउस 10 से आते हैं, तो उनका जो दूध अभी निकलेगा उसे मैं यहाँ ही सप्लाई कर दूंगा। और बाकी इधर की साइड क्या है? ये छोटा सा पॉन्ड है। और ये रास्ते काफी ज्यादा सही हैं, प्रॉपर गांव है ये, काफी सुंदर लग रहा है। अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, गाड़ी से थोड़ा घूम के आते हैं, आगे देख के आता हूँ। वो सामने अपना घर है, वहां पे ये वाली गाड़ी अपनी ले लेता हूँ। वैसे मैंने अपना घर तो दिखाया ही नहीं अंदर से, ये घर भी तो दिखा दूं अंदर से कैसा है। तो ये घर का गेट खोलते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ एंट्री वाला स्पेस है, और इसके बाद एक गेट और खुलता है, उसके बाद यहाँ पे दो गेट और आते हैं। ये वाला गेट तो जो है वॉशरूम जाने के लिए है, ये वॉशरूम है यहाँ पे, और ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जो है ये अपने लिविंग रूम के लिए गेट है, गेट के अंदर गेट, गेट के अंदर गेट, और यहाँ पे एक और गेट। कितने सारे गेट हैं, इतना बड़ा तो घर भी नहीं है जितने इसमें गेट बनाए हुए हैं। और इधर यहाँ पे अपना लिविंग रूम है, एक यही रूम है जो यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये किचन है यहाँ पे। बस इतना ही घर है, छोटा सा घर है। और किचन में जो है वैसे सब चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रॉपर सेटअप है, और इसके अलावा तो कोई रूम नहीं है। बाकी इस वाले गेट को बंद कर देता हूँ, इतने सारे गेट्स पता नहीं क्यों लगा रखे हैं। और ये ऊपर सीढ़ी है जाने के लिए, एक बार चढ़ के देखता हूँ ऊपर क्या है। ये यहाँ पे क्या है? ये क्या स्टोरेज टाइप की सी है क्या ये? ओ ये तो प्रॉपर स्टोरेज है, यहाँ पे ऊपर काफी बड़ा एरिया है। वैसे इस वाले घर में अपना बेडरूम नहीं है, बेड तो मुझे दिखाई नहीं, तो यहाँ पे ऊपर जो है अपना सोने का इंतजाम बना सकता हूँ। ऊपर सही है, स्पेस काफी बड़ा है वहाँ पे, तो उसको जो है देखेंगे, उसको शायद बेडरूम वगैरह कुछ बनाऊंगा ऊपर। बाकी एक बार यहाँ की मार्केट दिखा के लाता हूँ। ये यहाँ पे किसी के घर का काम चल रहा है, एक मिनट ये भी देख लेते हैं, कोई अपना नया घर बना रहा है यहाँ पे, और काफी सारे वर्कर काम कर रहे हैं इधर। और अपने घर के बिल्कुल पास ही है, मतलब तो ये सामने वाला खेत तो अपना ही है, और वो सामने अपना घर है, तो अपना कोई नया पड़ोसी यहाँ पे आने वाला है। और ये इधर पता नहीं कुछ बात कर रहे हैं वर्कर आपस में। और ये वाला घर भी जो है अपने घर के बराबर ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है चलो, यहाँ पे रोकता हूँ। और ये क्या है? ये यहाँ का बस स्टैंड है, और ये बस स्टैंड पे ये वेट कर रही है बस के लिए। क्या बोल रहा है? इनकी लैंग्वेज कौन सी है? कोई डिफरेंट ही लैंग्वेज बोलते हैं ये। और ये कैसे स्टैचू बन के खड़ी हुई है? ये है यहाँ की मार्केट, और मार्केट में ये क्या है? ये ब्रेड चीज है शायद, टमाटो, इधर चेरी, वाटरमेलन, और ये केक वगैरह बेच रहा है। काफी सारी चीजें बिक रही है यहाँ पे,
यहाँ पे जो है ये जितने भी हैं मुझे लगता है फार्मर ही हैं जो यहाँ पे अपने खेतों में जो भी कुछ उगा रहे हैं और उनसे जो बना रहे हैं वो यहाँ पे लाके बेच रहे हैं। इधर प्लांट्स वगैरह का है, यहाँ से प्लांट्स लेके जाऊँगा अपने जो है घर के, वहाँ प्लांट्स तो काफ़ी कम है तो ये वाले प्लांट्स लगा दूंगा वहाँ पे। और इधर की साइड ये कोई टूल्स वगैरह है, ये ऑयल है, ये फार्मिंग के टूल्स हैं, मतलब ये नॉर्मल टूल्स हैं जो अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी काम में आते हैं। तो सही है, मार्केट बिल्कुल घर के पास ही है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये यहाँ पे भी कोई फैक्ट्री वगैरह है, ये तो काफ़ी बड़ी सी फैक्ट्री लग रही है। अच्छा ये सेल करने के लिए है, जो भी अपने खेतों से प्रोड्यूस होगा उसे सेल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये मार्केट है मतलब सेल करने वाली। और ये यहाँ पे जेसीबी खड़ी हुई है, यहाँ पे जो है काफ़ी सही खेत है ये। एक बार खेत देख लूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सनफ्लावर्स का खेत है, इधर भी कोई मार्केट वगैरह है, ये तो कोई फार्म है। और यहाँ पे अंदर ये ट्रीज लगे हुए हैं डिफरेंट तरीके के, ये यहाँ प्लांट्स वगैरह सेल करने के लिए लगा रखा है। और ये एक कंटेनर रखा हुआ है, एक कंटेनर है, हाँ कंटेनर ही है ये। ये अपने खेतों के पीछे वाला एरिया आ गया जो मैंने शायद अभी देखा था, इधर कोई बंद फैक्ट्री पड़ी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बट बंद है अभी। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, अभी तो अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है पूरा ही है, पर थोड़ा सा कम हुआ है तो अभी तो रिफिल कराने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जब फ्यूल की ज़रूरत होगी तब यहाँ पे आ जाऊँगा। और ये रहा ट्रैक्टर्स वगैरह का शोरूम, ये न्यू हॉलैंड का शोरूम है, ये बाहर ट्रैक्टर पार्क हो रखे हैं न्यू हॉलैंड के। और यहाँ से मैं जो है नए ट्रैक्टर्स परचेज कर सकता हूँ, और उनकी वर्कशॉप भी है यहीं पे। ये वर्कशॉप में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है अंदर, बाकी ब्रांड्स के हार्वेस्टर वगैरह भी हैं। नहीं ये न्यू हॉलैंड के ही हैं, बाकी ब्रांड के नहीं हैं, ये भी न्यू हॉलैंड के ही है, तो ये सारे के सारे न्यू हॉलैंड का ही है। और ये एक छोटा मुझे कलेक्टिबल मिल गया, शायद उठा सकता हूँ उसको, मिल गया हाँ। तो एक कलेक्टिबल के मुझे 1000 यूरो मिल जाते हैं, और ऐसे 10 हैं अभी, तो जो है एक ही मिला है मुझे। यहाँ ट्रेन आने वाली है, नहीं खुल गया, निकल गई शायद, देख लूँ कहीं आ ना रही हो उधर से, नहीं। तो इधर से आगे तो मुझे कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रहा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सिटी टाइप की सी आ गई है। अभी एक बार खेत में चल लेता हूँ, अपने हार्वेस्टर ने जो है सारे का सारा खेत हार्वेस्ट कर लिया होगा। ये यहाँ पे जो है किसी ने बेल्स बना के रखी हुई हैं, और काफ़ी सारी बेल्स बना रखी हैं, ये मैं उठा सकता हूँ क्या? नहीं, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इसको तो नहीं उठा सकता मैं। मेरे को लगा ऐसी रोड पे लगा रखी है, एक आध यहाँ से उठा के ले सकूँ तो अपने काउस को जो है चारा डालने के काम आ जाएंगी। अरे भाई रुक जा, क्यों हॉर्न मार रहे हो, एक मिनट देख ही तो रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक पे गाड़ी चला के देख रहा हूँ मैं एक बार, और चल तो रही है,
तो अपने घर के पास मैं वापस आ गया हूँ, ये गाड़ी पार्क कर दूँ और हार्वेस्टर को देख लूँ। बस इसको यही गाड़ी को पार्क करके अब हार्वेस्टर को देखता हूँ। वैसे तो काम कर दिया होगा हार्वेस्टर ने, हाँ हो गया खेत खाली, बट ये रुक क्यों गया? अभी तो आधा खेत रहता है, ये शायद फुल हो गया होगा। फुल तो नहीं हुआ, ये अटक गया शायद। नहीं फुल कहाँ हुआ है, ये तो सिर्फ 19% ही हुआ है। इसे मैं खुद ही हार्वेस्ट कर लेता हूँ। वर्कर्स जो है थोड़ा बहुत भी अटक जाए तो कोशिश नहीं करते, उसके बाद सीधा छोड़ के भाग जाते हैं। जबकि यहाँ पे इजीली आराम से ये मुड़ जाता, कोई फंसा नहीं था, बट वो छोड़ के ही भाग गया। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है ये वाला खेत ख़राब हो या कुछ भी हो। और ये वाला खेत इधर की साइड भी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है और ये हिरण अपने खेत में घूम रहे हैं। ये हार्वेस्टर काफ़ी सही है, इससे काम जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अगर इस खेत को मैं जो है नॉर्मली हार्वेस्ट करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और इस हार्वेस्टर से आधा घंटा भी नहीं लगा। और ये खेत वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, इधर से तो बस ये थोड़ा कोने कोने में रहता है, इससे ही मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये वाली क्रॉप क्यों साइड में छोड़ के वेस्ट करी, इससे भी जो है कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये पेड़ में टक गया यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा रह गया और इस वाले खेत को तो हार्वेस्ट करने का काम मैंने कर लिया, और बाकी जो है चार खेत भी अगली वीडियो तक रेडी हो ही जाएंगे तो उन्हें भी हार्वेस्ट करूँगा। उसके बाद इन पांचों खेतों में एक साथ सेम क्रॉप लगा दूँगा। अभी जो है बाकी खेतों से मुझे कॉर्न मिलने वाली है, कॉटन मिलने वाली है, और एक खेत में और एक चीज़ है, उसका देखना पड़ेगा क्या है उसमें। दो में तो कॉर्न है, एक में कॉटन है। और ये हार्वेस्टर का काम हो गया तो इसे जो है वापस अपने फार्म पर लेके चलता हूँ।
इसको पहले बंद कर लूँ, मतलब आगे से जो ये हार्वेस्टर का हेडर चल रहा है ये बंद कर लेता हूँ, ये फालतू में घूमता रहेगा। तो इस वाले हार्वेस्टर को मैंने यहाँ पार्क कर दिया और अभी मुझे जो है इसके अंदर पहुँचाना है। तो यहाँ मुझे ट्रॉली पहले बाहर निकाल के अनलोड करनी पड़ेगी। अभी अनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हार्वेस्टर जो है अभी आधा भी फुल नहीं हुआ है। अभी इसमें जो है कितना है एक बार देख लेता हूँ, ये अभी 37% ही है। तो ये जब फुल हो जाएगा तभी इसको एक साथ अनलोड कर दूँगा। और अभी देख लूँ एक खेत में और कौन सी क्रॉप है, सनफ्लावर है शायद ये सामने ना, नहीं कुछ और है, सनफ्लावर ही है। हाँ तो सनफ्लावर है इसमें और ये भी ग्रोइंग ही है। और ये इधर वाले में कॉटन है और बाकी इसमें कॉर्न है और एक जो सामने फील्ड है उसमें भी कॉर्न है। तो नेक्स्ट वीडियो तक ये कॉर्न वाले दोनों फील्ड तो रेडी हो ही जाएंगे। और बाकी जो है अपना काओवान यहाँ पर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले फील्ड में या फिर यहाँ पर खाली जगह में एक पिग बान और शीप बान और लगा लूँ। बाकी जो है अभी थोड़ा सा पहले इन खेतों को हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा करके फ़ायदा नहीं है। अभी भी जो है इन सारी चीज़ों को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ गया है। तो फिर आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।